जैसा कि इस वर्ष धर्म नगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का संचालन रद्द कर दिया गया है। इस संदर्भ में अलग अलग स्तर पर कांवड़ियों को हरिद्वार में प्रवेश से रोकने के लिए बैठकें जारी हैं। भगवानपुर थाने में आज ग्राम प्रधानों से मिलकर सीओ मंगलौर अभय सिंह ने बताया कि इस बार कांवड़ मेले को पूर्ण रूप से स्थगित किया गया है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक लोगों को मामले की गंभीरता से अवगत कराएं, जिससे कि कोई भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा ना बने। वहीं एसपी देहात रुड़की ने भी औद्योगिक क्षेत्र के सिकंदरपुर भैंसवाल की अंबुजा कंपनी में पहुंचकर वहां के सभी पदाधिकारियों के साथ विशेष चर्चा की। अभी जो कांवड़ यात्रा स्थगित की गई है, उसके दौरान जो पुलिस, हमारे होमगार्ड, पीआरडी, एसपीओ, इन सब के लिए क्या बेहतर स्थितियाँ हो सकती हैं, क्या क्या किया जा सकता है, इंडस्ट्री की ओर से उनके सीएसआर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, इस संबंध में विचार विमर्श किया गया है। और जो कुछ भी वो लोग कर सकेंगे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो अपने साथियों के मनोबल बढ़ाए रखने के लिए और उनको बेहतर से बेहतर स्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए वो अपना आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। हम इसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। और पूर्व में भी लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जिस तरह से यहाँ आम जनता की सेवा की है, पुलिस बल को का उत्साह बढ़ाया है, उसके लिए हम निरंतर आभारी हैं और इसके लिए उनको पुनः धन्यवाद। कांवड़ यात्रा स्थगित होने के चलते कंपनी के सहयोग की अहम भूमिका रहेगी, जिससे कि पुलिस के जवानों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ स्टूडियो के लिए भगवानपुर से मुर्सलीन अलवी की रिपोर्ट।